Hello students, today we are going to discuss about the topic the earth and its living world. जो हमारी अर्थ है और जो हमारी अर्थ है उस पे क्या रहते हैं, बहुत सारे लिविंग थिंग रहते हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. So let's start. On the surface of the earth we find land in some places and water in others. जो हमारी अर्थ सरफेस है, जो हमारी अर्थ है उसमें क्या है, कुछ एरिया में क्या है, वॉट लैंड प्रेजेंट होती है और कुछ एरिया में वाटर प्रेजेंट होता है. सम अमाउंट ऑफ लैंड प्रेजेंट एंड सम अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन अवर अर्थ. अंडरस्टैंड, द अर्थ इज सराउंडेड बाय एटमोस्फियर. जो हमारी अर्थ है उसके आजू बाजू में क्या है, पूरी एयर प्रेजेंट होती है. हमें दिखाई नहीं देती है एयर, बट क्या है, हमारे जो ऐसा हमारी अर्थ है वो पूरी एटमोस्फियर से कवर्ड होती है. देयर आर लिविंग थिंग्स ऑन लैंड इन वाटर एंड इन एयर. जो हमारे अर्थ पे लिविंग थिंग्स रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, वो कुछ जमीन पे होते हैं, कुछ वाटर में होते हैं और कुछ एयर में प्रेजेंट होते हैं. द सन इज अ कॉज ऑफ मेनी नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ. और जो सन है वो क्या है, इम्पोर्टेंट सोर्स है. जो सन है हमारे अर्थ पे एक इम्पोर्टेंट सोर्स है, जो हर एक प्रोसेस में वो अपना रोल प्ले करता है. जैसे कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, प्लांट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद तैयार करते हैं, तो वो किसकी मदद से करते हैं, थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. जब जो सनलाइट है वो क्या करती है, प्लांट्स पे गिरती है और उसके बाद फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, और ऐसे ही सन बाकी चीजों में हेल्पफुल होता है. वाटर लैंड एंड एयर कॉन्स्टिट्यूट एनवलप्स ऑफ द अर्थ, नेमली द हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर. क्या है, जो हमारी अर्थ पे क्या है, कुछ अमाउंट में, यहाँ पे देखो ये एक पिक्चर दिया है, ये क्या है, स्फीयर ऑफ द अर्थ. ये हमारी अर्थ का स्फीयर है. जो हमारी अर्थ है वो क्या है, थ्री मोस्ट लेयर से बनी है. कौन सी तीन लेयर है, फर्स्ट है लिथोस्फीयर, सेकंड है हाइड्रोस्फीयर एंड थर्ड है एटमोस्फीयर. लिथोस्फीयर मतलब लैंड, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर एंड एटमोस्फीयर मतलब एयर. इन तीन चीजों से हमारी अर्थ बनी है, और इन तीन चीजों से क्या बनता है, बायोस्फीयर बनता है. अंडरस्टैंड, इन दिस थ्री लेयर ऑल लिविंग थिंग्स आर सर्वाइव. क्या होते हैं, जो है थ्री लेयर है, इस पे क्या करते हैं, पूरे लिविंग थिंग सर्वाइव करते हैं, उससे क्या बनता है, हमारा बायोस्फीयर बनता है. अंडरस्टैंड, लिथोस्फीयर एंड एटमोस्फीयर, द बायोस्फीयर स्प्रेड इन ऑल द अदर थ्री स्फीयर्स. बायोस्फीयर क्या है, थ्री लेयर से बना हुआ है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमोस्फीयर. सो नेक्स्ट, द लिथोस्फीयर एंड द हाइड्रोस्फीयर. अभी हम लैंड और हाइड्रोस्फीयर की मतलब वाटर के बारे में पढ़ेंगे. द अर्थ क्रस्ट इज हार्ड, इट इज मेनली मेड ऑफ रॉक. जो हमारी अर्थ है और जो अर्थ के नीचे का पोर्शन है वो किससे बना है, रॉक से बना हुआ है. रॉक मतलब बड़े बड़े पत्थरों से बना है. वेन वी ट्रैवल इन हिली रीजन्स वी सी लेयर्स ऑफ सॉइल एंड रॉक्स. जब हम क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, घूमने जाते हैं हिली रीजन पे, मतलब बड़े बड़े पहाड़ों पर, तो हमें क्या दिखाई देते हैं, रॉक्स, बड़े पत्थर दिखाई देते हैं और कुछ सॉइल मतलब मिट्टी दिखाई देती है. अलॉन्ग रोड साइड कट्स, और क्या दिखाई देते हैं हमें, जो रोड में कुछ क्या होते हैं, बड़े बड़े कट्स होते हैं, मतलब ऐसे डैश वगैरह ऐसे होती है. वी सी ग्रासी एक्सपांसेस ऑफ लैंड इन सम प्लेसेस एंड ओनली सैंड इन अदर्स. क्या होते हैं, कुछ एरिया में ग्रास प्रेजेंट होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में ग्रास ही ग्रास, पूरा ग्रीन ग्रीन दिखाई देता है, और कुछ एरिया में क्या होती है, रेत प्रेजेंट होती है.
पूरा रेत से भरा हुआ, जैसे द लैंड इज कवर्ड विथ क्रॉप्स इन सम प्लेसेस एंड विथ फॉरेस्ट इन अदर। और कुछ एरिया में क्या होता है, क्रॉप लिए जाती है, खेती बाड़ी की जाती है। द प्ले एंड सम प्लेसेस फॉरेस्ट, और कुछ एरिया में क्या होते हैं, लैंड पे बड़े बड़े जंगल होते हैं। और कुछ इसमें फॉरेस्ट, कुछ इसमें क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। सम टाइम वी गेट टू सी द डीपर लेयर ऑफ सॉइल इन टू विच ट्री रूट्स स्प्रेड। और कुछ एरिया में क्या दिखाई देता है हमें, ऐसे बड़े बड़े पेड़ होते हैं जो उसके रूट्स क्या होते हैं, बहुत नीचे तक जाते हैं जमीन के। एट अदर्स वी सी रॉक्स स्प्लिट अपार्ट बाय द ट्री रूट्स। क्या होते हैं, और कुछ ऐसे पेड़ होते हैं उसके रूट क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, तो उसके रूट्स क्या करते हैं, हमारे जो पत्थर होते हैं, पत्थर बड़े बड़े, उसको भी स्प्लिट करते हैं, मतलब तोड़ के अंदर तक जाते हैं। कुछ कुछ पेड़ों के रूट्स इतने टफ होते हैं, हार्ड होते हैं, कि वो पत्थरों को भी तोड़ के अंदर तक जाते हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स।